सर, मैं पूछना चाहूंगी, आप काफी वक्त से इंडस्ट्री में हैं, पर ये साल आपके लिए बहुत सुनहरा जा रहा है. आपको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला क्रिटिक्स, उसके बाद दम लगा के हरीशा में भी आपने अपना जलवा दिखाया, और अब मसान, जो मतलब जिसकी तालियों की गड़गड़ाहट फ्रांस से यहाँ तक आ गई है. तो क्या कहना चाहेंगे, आपको इस वक्त कैसा लग रहा है? हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि हम आपके साथ काम कर पाए, पर आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल तेरे जैसा ही लग रहा है. खुश नसीब हूँ. कल कोई पूछ रहा था कैरेक्टर क्या है आपका मशान में, फिर वही सवाल. ये सवाल जो है 30 साल पहले बंद हो जाने चाहिए थे. जब मैं हीरो होता था, मैं कॉमेडियन होता था, मैं विलेन होता था. कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या क्या बताऊँ. खुद देखूंगा मशान, मैंने देखी नहीं अभी तक फिल्म, देखूंगा तो बता दूंगा. लेकिन नीरज जब बताने आया था, और एक लाइन से, मन कस्तूरी रे जग दस्तूरी रे. बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत. उसने मुझे पूरी पिक्चर दिखा दी थी, मेरे कमरे में बैठ के एक एक पन्ना पलटते पलटते. ना मुझे फिक्र पड़ी थी ना इसको. फिर उसके बाद एक्ट्रेस उन्होंने बहुत अच्छी दी साथ में, रीचा. क्या रिलेशन थे हमारे. मैं इसके लिए खाने लाता था ना. खाना, पान और बस यही जवाब. एक दिन लिट्टी भी लाए थे. बस यही जवाब है. और ग्रेट केमिस्ट्री सबके साथ. अविनाश मेरा कैमरामैन पता नहीं कहाँ है, बहुत बड़ी उनकी आज फिल्म. हाँ, उसकी फिल्म भी हुई उसकी, किल्ला. गॉड ब्लेस हिम. चलो. हाय एवरीबॉडी, आई एम शाहरुख खान. वॉच मी ओनली ऑन facebook.com/businessofcinema.